अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 23। आज हम इस लेक्चर में न्यू एक्सरसाइज नंबर 10.13 को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आज तमाम जो हम पीछे कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर चुके हैं, हम उन तमाम कॉन्सेप्ट्स के टॉपिक्स को, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के और तमाम लीनियर एक्सप्रेशन को भी जिस तरह सोल्व करना था, हम उसको वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में हम उसको सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50। जिनके हमारे पास कोई भी दो नंबर है, हमने उनको सम करना है यानी प्लस करना है, तो उनका रिजल्ट क्या है 50। इफ वन ऑफ देम इज 18, अगर उन दो नंबर में से कोई एक नंबर 18 होगा, फाइंड द अदर, तो हमने दूसरा नंबर फाइंड करना है। 18 और एक और नंबर दोनों को प्लस करें तो 50 आता हो, एक नंबर 18 है तो दूसरा नंबर जो अननोन होगा उसको हम x सेलेक्ट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन था सम ऑफ टू नंबर्स, तो सम ऑफ टू नंबर क्या हो गया 50 इक्वल टू, हमने उसकी स्टेटमेंट बनानी है पहले, सम ऑफ टू नंबर इक्वल 50 इफ वन ऑफ देम इज 18। फर्स्ट नंबर हमारे पास एक नंबर आ गया 18, फाइंड द अदर। सेकंड नंबर हमने क्या करना है फाइंड, तो सेकंड नंबर का हम क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब हमने जो हमने फाइंड करना है नंबर, सेकंड नंबर हमने सपोज किया कि सेकंड नंबर क्या हो गया x, सपोज कर लें या सिलेक्ट कर लें, जो नंबर अननोन है हमने फाइंड करना है उसे हम वेरिएबल x सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास सिचुएशन थी द सम ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर 18 और दूसरा क्या हो गया x, तो 18 प्लस x दोनों नंबर का सम किसके इक्वल आ जाएगा 50 के। 18 प्लस x या x प्लस 18, यानी एक नंबर x था और दूसरा 18, दोनों नंबर का सम इज 50 है, तो इक्वल किसके आ जाएगा 50 के। अब चूंकि हमने x की वैल्यू अननोन है ये फाइंड करनी है, तो ये प्लस 18 यहाँ पर एक्स्ट्रा, ये प्लस 18 जब वहां जाएगा तो वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस 18, तो x की वैल्यू 50 में से जब 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 32। इसका मतलब है कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा 32। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द सम ऑफ टू कंजेक्टिव इवन नंबर्स इज 202। यहाँ हमारे पास दो कंजेक्टिव नंबर्स होंगे, उनका सम करेंगे तो 202 के इक्वल आएगा, फाइंड द नंबर्स। अब यहाँ पर हमने गौर करें, हमने दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। अब फर्स्ट नंबर हम लेट कर लेते हैं कि x प्लस 2, x प्लस 2 इसीलिए, x तो एक अननोन वेरिएबल है, प्लस 2 साथ इसीलिए लिखा कि हमारे पास कहा था इवन नंबर्स। इवन नंबर वो होते हैं कि जब 2 के जो भी नंबर्स 2 के टेबल में डिवाइड हों वो सारे के सारे क्या होंगे इवन नंबर्स, तो यहाँ पर इसलिए हमने प्लस 2 लिखा है। 2 कंजेक्टिव था तो एक हमने x प्लस 2 कर लिया और सेकेंड नंबर को हमने x प्लस 4 लेट कर दिया, 2 के बाद 4 है इसलिए हमने कंजेक्टिव तरतीब से दोनों को नंबर्स लेट कर लिए। अब सम ऑफ टू कंजेक्टिव नंबर्स क्या है आ गए 202, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि टू कंजेक्टिव नंबर्स का सम वो 202 के इक्वल है। तो अब दोनों के नंबर्स कौन से थे, एक का x प्लस 2 प्लस सेकंड वाला x प्लस 4, इन दोनों का हम क्या कर देंगे प्लस करके 202 के इक्वल रख लेंगे। अब यहाँ पर वेरिएबल प्लस हो जाएंगे, x प्लस x क्या हो जाएंगे 2x, प्लस 2 प्लस 4 मिलकर प्लस 6 हो जाएंगे, इस तरफ 202 रह जाएगा, ये प्लस 6 है, जब साइड चेंज होकर इधर आएगा तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा माइनस 6। 2x इक्वल 202 में से 6 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 196। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और x के साथ 2 को जब वहाँ जाकर डिवाइड करेंगे तो 196 को जब 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x इक्वल 2 9 18, 2 8 16, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल 98 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 2 को जब हम 196 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो 98 नंबर आएगा वो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अच्छा, तो ये हमारे पास x आ गया 98, लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट नंबर था वो क्या था x प्लस 2 और सेकंड नंबर क्या था x प्लस 4। अब जहां जहां x है ये भी 98 कंप्लीट आंसर नहीं है, ये आंसर का फर्स्ट स्टेप है, हमने बेसिकली निकालने थे इवन नंबर, तो x की जगह हम 98 प्लस 2 यहाँ पुट करेंगे x प्लस 2 में, 98 प्लस 2 क्या आ गया 100। इसका मतलब जो हमारे पास पहला कंजेक्टिव इवन नंबर था वो क्या है 100, और सेकंड कौन सा होगा x प्लस 4 की जगह सेकंड वैल्यू में हम x की वैल्यू 98 पुट करेंगे तो 98 प्लस 4 क्या हो जाएगा 102। इसका मतलब जो दो कंजेक्टिव नंबर्स हमने फाइंड करने थे वो एक 100 है, दूसरा कौन सा है 102। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखें, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट में कह रहा है द सम ऑफ 3 कंजेक्टिव ऑड नंबर्स इज 99, फाइंड द नंबर्स। हमारे पास जो अब यहाँ पर हमने 3 कंजेक्टिव नंबर्स लेने हैं, लेकिन नंबर्स कौन से होने चाहिए ऑड, जब तीनों कंजेक्टिव ऑड नंबर्स होंगे तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों का सम का मतलब है प्लस करके इनका आंसर 98 आए, तो 99 फाइंड द नंबर्स। अब हमने क्या करना है इसके नंबर फाइंड करने हैं,
फर्स्ट नंबर हमने रख लिया x प्लस वन, सेकेंड नंबर रख लिया हमने x प्लस थ्री और थर्ड नंबर रख लिया हमने x प्लस फाइव। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में था ऑड नंबर्स, इसलिए हमने ऑड की जगह वन थ्री फाइव, जो टू के टेबल में नहीं आते, हमने वो नंबर्स चूज करने हैं। वन थ्री फाइव के गैप से हमने तीन नंबर्स लेट कर लिए। लेट करने के बाद क्वेश्चन में कह रहा तीनों का सम करेंगे तो 99 आए, तो सम ऑफ ऑड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इक्वल 99। यहाँ पर ये टू नहीं, यहाँ पर थ्री है, क्योंकि क्वेश्चन में थ्री नंबर्स थे, हमने तीन लेट किए हैं, तो इसी को एक्शन करके थ्री कर लीजिएगा। थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं तो इक्वल आ जाएंगे 99। इस टू की जगह मैं इसको थ्री कर देता हूँ। तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम क्या आ गया 99। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐड कर देंगे, एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस फाइव। ये तीनों नंबर्स को हमने ये वनों को वन बाय वन प्लस कर दिया और तीनों का सम किसके इक्वल आ गया 99 के। अब हम एक्स वालों को प्लस करेंगे, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तीनों एक्स मिलकर क्या बनेंगे 3x और वन प्लस थ्री फोर प्लस फाइव प्लस नाइन हो जाएंगे, इक्वल 99 रहेगा। ये प्लस नाइन है, जब वहां जाकर माइनस होगा तो 99 में से 9 निकालेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 90। यहाँ पर हमारे पास आ गया 90, क्योंकि 99 में से 9 माइनस किए तो 90 आ जाएगा। अब 3x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 3 वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। जब हम x को हम 90 की वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। ये हमारे पास आंसर का फर्स्ट स्टेप आ गया। अब तीन नंबर से तीनों की जगह हम x x की वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट नंबर का था क्या वैल्यू थी x प्लस वन, x की जगह 30 इसकी वैल्यू पुट की, 30 प्लस वन 31। इसका मतलब जो हमारा पहला ऑड नंबर था वो क्या है 31। सेकेंड नंबर x प्लस थ्री के अंदर आप x की वैल्यू 30 पुट करेंगे, 30 प्लस थ्री क्या आ जाएगी 33, तो 33 हमारा क्या होगा सेकेंड नंबर। फिर थर्ड वैल्यू x प्लस फाइव में x की वैल्यू पुट करेंगे 30, 30 प्लस फाइव क्या हो जाएगा 35। इसी तरह आपने इसके क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर सेवन तक के तमाम पार्ट्स को आपने सॉल्व करना है। बहुत इजी और कन्वीनियंट मेथड के साथ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की बेहतरीन तरीके से आपको समझ आई होगी। आप इन तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट के टॉपिक्स को आप बेहतरीन तरीके से आप ग्रिप कर सकें। थैंक यू।